हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक बस नाम क्या है बात सर, शुक्र अल्लाह। किसी नहीं सर, साहब आपने कुछ सवाल पूछने बताए। इरफान कैप्टन सुन रहे हो आप जी? हीराजमल आप सुन रहे हो बेटा? हीराजमल जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? असर ये लिमिटेशन एक्ट निकालना ही है। सर जो आपने नोट्स पे जैसे वो वाले नहीं, बुक से मैं नए पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ पढ़ लिए ना, आज हमने पढ़ने उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा आपने बेटा सुना होगा शेर अक्सर अक्सर ये जब आपसे बेवक्त वक्त दोबारा हाथ आता नहीं, सदा ऐश व आराम दिखाता नहीं, ठीक है? ये बातें आपको याद होगी। वाकिल के दिन निहाल ये देता है मना दी, दर्दों ने बड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो ये ऐसी बातें आज सेक्शन है ना, सेक्शन 9 मैंने पढ़ाना है आज, लिमिटेशन एक्ट का। ठीक है, ठीक है बेटा, बुक है पास तो ठीक है, तो मैं पढ़ा देता हूँ। सर बुक नहीं है पास, काइंडली आप ऐसे ही पढ़ा दें। लिमिटेशन एक्ट नहीं है आपका? नहीं सर, इस वक्त नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात। अच्छा सेक्शन 9 जो है ना जी, उसमें एक वाजह तौर पर बड़ी फ्रेज आती होती है एग्जीबिशन में, ये सवाल अक्सर आता है। Once a time has been begun to run, once a time has begun to run, no subsequent disability or inability to stop it. आगे बात की, क्या सवाल आता होता है? Once a time has begun, एक दफा का टाइम शुरू हो गया ना भागना, ठीक है? तो याद रखिएगा, दोबारा कोई भी आपकी जो कोई डिसेबिलिटी है या आपकी लीगल एबिलिटी है, ठीक है, ये आपको क्या नहीं कर सकती, उस टाइम को रोक नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। अब बातें आ गई मुख्तलिफ, ठीक है कि अब यहाँ से टाइम जो है वन से टाइम, अब ये जो वन से टाइम हैज बिगन टू रन, अब ये जो वाला टाइम है ना, अगर मैं यहाँ पे इस टाइम को बताऊं कि टाइम ये टाइम कौन सा वाला है, ठीक है, तो ये टाइम याद रखिएगा, ये आपकी लिमिटेशन है फॉर फाइलिंग ऑफ सूट्स अपील्स एंड सर्टेन एप्लीकेशंस, यानी कि आपके पास एक चीज का वक्त है कि आप वो काम जाके आप अपना क्या कर लें, अपना मुकर्रर वक्त में जाके कर लें, आप काम क्या कर लें, मुकर्रर वक्त में जाके कर लें। समझ आ गई बात की? तो एक दफा अगर आपका टाइम शुरू हो गया ना, तो आप उस टाइम ठीक थे, आप क्या थे? आप क्या थे उस टाइम में? ठीक थे, समझदारी बात की, लेकिन आपने आपने उस चीज को एंजॉय नहीं किया जो आपको टाइम इजाजत दे रहा था ना, अगर आपको टाइम इजाजत दे रहा था, ठीक है, लेकिन आपने क्या नहीं किया, उस चीज को एंजॉय नहीं किया। और एट द टाइम ऑफ जब काज ऑफ एक्शन आपकी अरोज हुई या काज ऑफ एक्शन आपकी जब खत्म हुई, समझदारी के बात की, तो आपने चीज को एंजॉय करना था लेकिन आपने एंजॉय किया नहीं, ठीक है। और जब आपने सूट फाइल करना था, आप बिल्कुल कॉम्पिटेंट थे, आप बिल्कुल ठीक थे, ठीक है,
अब ये जो टाइम आपको मैं बता रहा हूँ ना, इस टाइम से मुराद ये है कि वो वाला टाइम जब आप ठीक से और आपने केस, आपने एक अपील या आपने कोई सर्टेन एप्लीकेशन क्या करनी थी, फाइल करनी थी, आपने क्या करनी थी, एक एप्लीकेशन फाइल करनी थी, समझ आ गई बात की, लेकिन आपने की नहीं, आपने की नहीं। अब ये जो ये टाइम, मैंने ये तीन चीजों का मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से इस सेक्शन में जो मुराद टाइम से है ना, वो तीन चीजों के लिए, अपील, सोर्स एंड सर्टेन एप्लीकेशन, ठीक हो गया। अब आगे बात आ गई किस चीज की, कि सबसिक्वेंट, ठीक है, सबसिक्वेंट कि आप की जो डिसेबिलिटी है ना, वो आपकी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ या इंस्टीट्यूशन ऑफ केस आप ठीक थे, लेकिन जब आपने उसको इंजॉय करना था आपने इंजॉय किया नहीं, आपने केस फाइल करना था आपने किया नहीं, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में सबसिक्वेंटली आप क्या हो जाते हैं, कोई आप पे लीगल वार आ जाता है, आप इस बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जितना अरसा आपकी बीमारी से और जिस दिन आपने केस फाइल करना था आपने फाइल नहीं किया, वो डिडक्ट नहीं होगा, वो आपको क्या नहीं करेगा, डिडक्ट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, वो डिडक्ट नहीं होगा। एक दफा अगर टाइम आपका खत्म हो गया और आप कॉम्पिटेंट थे, तो आपकी कोई जो सबसिक्वेंट है, नेक्स्ट आफ्टर, जिस हम कहते हैं सबसिक्वेंट, जो इस सेक्शन में वर्ड है ना, सबसिक्वेंट से मुराद ये है कि जनाब आपने क्या करना था, कि आपने चीज एंजॉय करनी थी लेकिन आपने की नहीं। अब आप कहो कि नहीं, मुझे इस चीज का जो है ये क्या किया जाए, फायदा दिया जाए, तो ला ये कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब तीसरी बात उसने लिखी है सब्सिक्वेंट की, समझ आ गई कि जब आपकी काज ऑफ एक्शन बन गई, ठीक है, आपकी बन गई और आपकी पार्टी जो जो आपने फाइल करना था, ही वाज फिट एट द टाइम ऑफ काज ऑफ एक्शन, बट ही डिड नॉट, ही जो है मैं ऐसे कह दूं कि उसने वो चांस या अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की, उसका टाइम एक्सपायर हो गया, तो ला ये कहता है कि फिर उसको ये अपॉर्चुनिटी या उसकी लीगल डिसेबिलिटी फिर नहीं मिली, उसकी लीगल डिसेबिलिटी या उसकी जो ये सारी बातें हैं ये फिर नहीं मिलनी, ये बात याद रखिएगा। तो उसके बाद डिसेबिलिटी आ गई। अगर मैं आपको डिसेबिलिटी का बता दूं कि डिसेबिलिटी से क्या मुराद है, डिसेबिलिटी मींस वांट ऑफ लीगल डिस्क्वालिफिकेशन टू एक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनएबिलिटी है, ठीक है, कि इनएबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब है वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट, वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट due to illness, due to poverty or ignorance, समझ आ गई बात की, ये किस पे आ जाती होती है, inability। तो ये तीन उन्होंने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी बताई है, समझ आ गई बात की। अगर हम सेक्शन 6 की तरफ जाएं, ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, तो उन्होंने ये बातें किसकी बताई हुई है, लीगल डिसेबिलिटी को उन्होंने डिफाइन भी किया और बताया हुआ है। लेकिन अगर ये आपकी लीगल डिसेबिलिटी आती है आफ्टर द काज ऑफ एक्शन, ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काज ऑफ एक्शन जो आप थे क्या थे, फिट थे, आप क्या थे, फिट थे, आपने क्या करना था, केस फाइल करना था, आपने केस फाइल करना था लेकिन आपने केस फाइल किया ही नहीं। अब जब आपका वो टाइम स्टार्ट हो गया काज ऑफ एक्शन के बाद, आप पे कोई बीमारी आ गई सबसिक्वेंटली, क्या आ गई, कोई बीमारी हो गई, उसके बाद आप क्या पड़ गए, बीमार, और आप अब कानून में जाके क्या करते हो, ये चीज को जो है ये क्लेम करते हो कि जनाब मुझे जो ये चीज है ना, मुझे जो इस चीज का क्या किया जाए, फायदा दिया जाए, मुझे क्या दिया जाए, इसका फायदा दिया जाए। तो ला ये कहता है कि नहीं, एक दफा अगर आपका चांस था, आपने केस फाइल करना था, ठीक है, तो लेकिन आपने चीज को एंजॉय नहीं किया, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं दी जाएगी। यानी कि आज अगर मैंने केस फाइल करना था, आपने केस फाइल नहीं किया, मैंने आज से लेके अगले 20 दिनों तक मेरे पास लिमिटेशन है 25 डेज की, तो मैंने आज केस फाइल करना था, आज से मेरी लिमिटेशन स्टार्ट हुई, मेरा आज से टाइम भी स्टार्ट हो गया, और 25 दिन तक मुझे नहीं ख्याल था, लेकिन 25 दिन के बाद मैं बीमार पड़ गया, या ये आगे बातें आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को क्या नहीं कर सका, इंजॉय नहीं कर सका, तो ला ये कहता है कि जनाब आपके पास और कोई ग्राउंड है ही नहीं, आपका टाइम वो 25 दिन खत्म, ठीक है, और आप सुकून करें, ठीक है। यानी कि जो सबसिक्वेंटली जो मेरा है, जो सब्सिक्वेंटली मेरा जो राइट था, जो मेरा, मैंने बीमार पड़ गया, इस बीमारी की वजह से मैं अब ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जाए, मुझे अलॉटमेंट ऑफ टाइम दी जाए, नहीं, ये कहता है अब ये बात
नहीं है, वाज तौर पे उसने ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि उसने ये दैट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, व्हेन अ टाइम स्टार्ट्स इट रन्स कंसेक्यूटिवली, समझ आ गया, एंड कंटीन्यूअसली, ठीक है। तो एक जैसे ये नहीं होगा कि टाइम एक दफा रुक गया फिर शुरू ना, अगर आज से आपका लिमिटेशन शुरू हुआ है ना, अगर आपका लिमिटेशन आज से शुरू हुआ है तो ये इंशाल्लाह जाएगा, जैसे जैसे ये कंटिन्यूसली खत्म होता जाएगा, ये नहीं होगा कि इसमें कोई पीरियड होगा या इसको स्टॉप कर दिया जाएगा या इसमें कोई आपको गैप आ जाएगा, नहीं, एक दफा टाइम शुरू हो गया लिमिटेशन का तो चलता ही रहेगा। समझ, बेशक आप बाद में बीमार पड़ जाते हैं या आपको लीगल डिसेबिलिटी आती है, जेनेबिलिटी आ जाती है, तो आप उस चीज को ना क्लेम कर सकते हो, ना ही आपके पास आपको उस चीज का कोई फायदा दिया जा सकता है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, जो जो आपने अगर इस चीज में आपने आना है, ठीक है, तो आप इस चीज को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे कि अगर आप, जब आपको कानून इजाजत देता था, जब आप बिल्कुल फिट थे और आपकी काज ऑफ एक्शन जब बरोज हुई थी, ठीक है, आपने केस फाइल करना था, आपने अपील फाइल करनी थी, समझ आ गई बात की? तो ला ये कहता है कि ये चीज जो है ये क्या होगी, आपकी डिडक्ट नहीं होगी और इसकी माफी आपको नहीं दी जाएगी। समझ आ गई? आपके सेक्शन 6 में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको कोई लीगल डिसेबिलिटी है, यानी कि आप बीमार हो, माइनॉरिटी, एडियोसी, तो इसकी बुनियाद पे आपका टाइम लिमिट जो है, ये आपका राइट जो है, ये खत्म नहीं किया जा सकता। आप अपना दावा, आप अपना केस क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ला ये कहता है कि अगर आपकी कोई सब्सिक्वेंटली, यानी कि आज अगर आपकी कॉज ऑफ एक्शन रोज हुई आपके पास 10 दिन है, ठीक है, आपने सूट फाइल करना था लेकिन आज के बाद आपने सूट फाइल नहीं किया, लेकिन बाद में आप क्या हो जाते हो, जब बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, ला ये कहता है कि उस बीमारी का फायदा क्यों नहीं, जब आपके पास क्या था, एक ला था, एक आपके पास एक चीज थी, आपके पास एक ग्राउंड था, ठीक है, तो आपने क्या करना था, उस चीज को इंजॉय करना था। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब जो सेक्शन 9 है ना जी, वो कहता है जो सब्सिक्वेंट आपकी डिसेबिलिटी है ना, will be immaterial. वो क्या होगी? Immaterial होगी, except in following cases. यानी कि ये जो बातें आ रही हैं, ये section 9 की exceptions आ रही हैं। अब ये जो 7 बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये section 9 में mention है, ठीक है? ये बातें क्या हैं? भला आपकी जो है आपका exceptions हैं। पहली बात ये कि जो आपका letter of administration था, आपकी letter of एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्रेडिटर की बजाय किसको दे दिया गया? डेप्टर को दे देगा। किसको दे दिया गया? कोई कोई सपोज इन द केस ऑफ कंपनी कि कोई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जो किसको दिया जाना था? आपके क्रेडिटर को, और वो गलती से किसके पास चला गया? आपके डेप्टर को। अब डेप्टर से लेके वापस क्रेडिटर के आने के तक, ठीक है, जितना अर्सा होगा दैट शैल बी एग्जेम्प्टेड। अब उस चीज को आप क्या कर सकते हो? सेक्शन 9 में क्लेम कर सकते हो। समझ आ गई? नंबर 1 एक्सेप्शन आ गई। दूसरी इसमें एक्सेप्शन वाजे तौर पर लिखी हुई है कि जब आप अपनी कॉपी, यानी कि जजमेंट की कॉपी जो है आपकी, जो आपकी जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने में जो आपको टाइम लगेगा, आपने एक सर्टिफाइड कॉपी लेनी है ना, जो आपने एक सर्टिफाइड कॉपी लेनी है किसी जजमेंट की, किसी ऑर्डर की, किसी फैसले की, ठीक है, तो वो जितना टाइम आपको लगेगा, तो वो सेक्शन 9 में आप यू हैव राइट टू क्लेम, क्योंकि आपकी कॉज ऑफ एक्शन तो उस टाइम रोज हो गई जिस दिन कोर्ट की जजमेंट आई। अब कोर्ट बेशक 2 महीने देती है जजमेंट तो उसकी कॉपी आपको देने के लिए, या आपको क्या देती है, 1 हफ्ता देती है, तो जो जितना टाइम आपको उस कॉपी या फैसले को ऑब्टेन करने में लगेगा, वो सेक्शन 9 में आप एक्सेप्शन के तौर पे क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, और वो दैट शैल बी डिडक्ट आप फ्रॉम योर टाइम लिमिटेशन। समझ आ गई बात की? 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आपका डिफेंडेंट जो है इज एब्सेंट फ्रॉम द पाकिस्तान, जब आपकी काज ऑफ एक्शन उरूज हुई, आज मेरा जो एग्रीमेंट था आपके साथ आज एक्सपायर हो गया, लेकिन मैं बेशक विद इंटेंशन या विदाउट इंटेंशन डिफेंडेंट जो था वो क्या था? आउटसाइड द पाकिस्तान था। हो सकता है आप हज करने गए हो सकता है आप ज़ियारत पे गए हो सकता है आप उम्रे पे गए हो, या हो सकता है आप किसी और वजह से मुल्क से बाहर हो, तो ला ये कहता है कि अगर आपकी काज ऑफ एक्शन आज रोज होगी और आप डिफेंडेंट बाहर थे, तो ये कहता है, ला ये कहता है कि जनाब आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो कि जनाब जब ये काज ऑफ एक्शन रोज हुई थी मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। ओनस ऑफ प्रूफ ऑलवेज रेस्ट फ्रॉम द शोल्डर ऑफ डिफेंडेंट टू क्लेम द रिलीफ फ्रॉम द सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। 2 बातें हो गई, एक सेक्शन हो गई। तीसरी बात ही, अच्छा, उसके बाद व्हेन द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसीक्यूटिंग एन अदर सिविल प्रोसीडिंग्स बोनाफाइडली इन
एक और, जब आपका प्लेंटिफ जो है ना वो क्या कर रहा था, बोनाफाइडली तौर पे यानी कि मैंडेटरी तौर पे, ये किसी और क्या था सिविल कोर्ट में, यानी कि जब तक उसका फैसला नहीं आना था तो इसका जो फैसला अभी नहीं किया जा सकता, या इसका फैसला यानी काज एक्शन रोज हो चुकी थी, लेकिन जो प्लेंटिफ था वो किसी और सूट में, किसी और जो है आपका कोर्ट में इसका क्या चल रहा था, कोई सिविल मैटर चल रहा था, तो इस दौरान जो टाइम हुआ होगा आप इस सेक्शन 9 में जाके क्लेम कर सकते हो, जो कि मना करता है। लेकिन आप अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव योर वेरिएंट अंडर दिस कैटेगरी, अंडर दिस एक्सेप्शन, देन यू मे आस्क टू द कोर्ट प्लीज ग्रांट एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट ऑफ द टाइम। उसके बाद अगर आपने जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुई, ठीक है, भाई ने साथ ही क्या कर लिया, स्टे ले लिया, ठीक है, जो आपने कोई राइट जो आपके ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस थी, ठीक है, जो आपने यू हैव टू फॉलो, जो आपने विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आपने फॉलो करनी थी, लेकिन भाई ने जो आपका अपोनेंट था उसने क्या ले लिया था, तो स्टे था, और वो स्टे आपको क्या कर रहा था, लीगल बार था कि आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो जितना दौरानिया उस स्टे का होगा दैट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सच रनिंग ऑफ टाइम, यानी कि अगर वो टाइम रन हो रहा था 6 तारीख से, भाई ने स्टे ले लिया 7-8 तारीख को, अब 7 से लेके जब तक आप लिमिटेशन खत्म हो रही थी आपकी, क्योंकि काज ऑफ एक्शन तो उस दिन आपके रोज हो चुकी थी, तो जितना पीरियड स्टे का होगा ना वो भी याद रखिएगा एक्सेप्शन है सेक्शन 9 में, तो वो भी क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हेन द नोटिस हैज बीन सर्वड, ठीक है, आपका जब तक नोटिस होगा ना, जिस दौरान तक आपने नोटिस दिया होगा, ठीक है, उस नोटिस का जितना दौरान ही होगा ना, समझ आ गई बेटा बात, याद रखिएगा वो भी सेक्शन 9 में एक्सेप्शन होगी, और वो भी इस जो वन से टाइम हैज बिगन टू रन, ठीक है, इसमें वो क्या कह सकता है कि नहीं जनाब हमें इसमें टाइम दिया जाना चाहिए, जो नोटिस आज से लेके जिस टाइम तक नोटिस होगा उस पीरियड को क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर पोजेशन है बाय परचेजर, तो उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेल, ठीक है, लिमिटेशन इज सस्पेंडेड ड्यू टू द टाइम, जो आपकी सेट असाइड सेल, सेल को सेट असाइड करने के लिए जितना टाइम लगेगा ना, ठीक है बेटा, सेट जे उसको सेट असाइड करने के लिए, सेल को सेट असाइड करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 9 में जाके क्लेम कर सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, और आपको बता चुका हूँ बेटा कि एक दफा सवाल आता होता है वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और ability to stop it, to कोई भी आपकी subsequent कोई disability या inability है उसको क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, until unless you come under the following above said 7 exceptions, अगर आपका case in 7 exceptions में आता है तो फिर तो you have a right to claim, otherwise you have a no other remedy to claim under this section 9. एक दफा आपका time start हो गया limitation का तो continuously चलता रहेगा, continuously चलता रहेगा, आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं जी मुझे नहीं पता चला उसमें मेरा ये था, लेकिन मैं उस टाइम तो मैं ठीक था, लेकिन बाद में मेरे ये वजूहत पैसे नहीं थे, गुर्बत थी, बीमार था, ये बात थी, तो आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बात थी सेक्शन 9 के बारे में। तो यहाँ तक अगर बेटा आपने जो बात पूछनी है तो आप प्लीज मेरे से पूछे नहीं, तो आपके पास ये राइट है जी, किसी ने अगर कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं तक आपको जवाब दूँ, अगर किसी ने कोई बात और पूछनी है जी। जी बेटा कोई बात आपने पूछनी है आप में से किसी ने? सर ये डिसेबिलिटी प्रूव कौन करेगा जो क्लेम कोर्ट में? सेक्शन 6 की जो बात करें बेटा, सेक्शन 6 में पढ़ा था ना लीगल डिसेबिलिटी, जिसने क्लेम करना है। जी जी, लेकिन उसने लेकिन यहां पर डिसेबिलिटी सबसिक्वेंटली हुई तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इन 7 एक्सेप्शन में आ रहे हो, 7 एक्सेप्शन में, तो फिर तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज सेक्शन जो 9 है वो वाजे तौर पर ये कह रहे हैं भाई अगर आपका एक दफा टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ सच इंस्टीट्यूशन ऑफ जो भी आपने केस फाइल करना था आप फिट थे, जिस दिन आपकी कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुई थी, आपकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी थी
ना कोई इनएबिलिटी थी, यानी कि आप कोई लीगल बार नहीं था आपके, आप केस फाइल कर सकते थे लेकिन आप सोए रहे। जैसे मैं आपको देता हूँ कह रहा था शेर आपको मैंने सुनाया वो, तो इसी तरीके से एक दफा टाइम स्टार्ट हो गया लिमिटेशन का वो तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सब्सिक्वेंटली अगर आपको कोई आया है, आपको कोई आफत आई है या कोई बीमारी आई है तो आप उस चीज को नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू कम टू द जो सेक्शन है लाभ का फला करे नाइन की लिमिटेशन ये एक्सेप्शंस है इसमें। अदरवाइज मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि वो दीदात का लोग कर देते हैं लेकिन जो सेटल प्रिंसिपल यही है सेक्शन नाइन वेल ये कैसे पूरे लिमिटेशन एक्ट में जो कहता है अगर आपका टाइम एक दफा स्टार्ट हो गया है ना, ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है, टाइम चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने एक चीज जो है क्लेम करनी थी, आपकी कॉज ऑफ एक्शन थी, आपने जाना था कोर्ट में, कोर्ट के बाद के आपने क्या करना था, इंटीमेट करना था, आपने कोर्ट को बताना था कि जनाब हजूर मेरे ये मामला हैं, मुझे इसके बारे में है। लेकिन जो आपकी जो इस चीज को आप क्लेम कह रहे हो कि मैं इन वजूहात की बुनियाद पर क्लेम नहीं कर सकता, तो आप इस चीज को इस लेवल पर क्लेम नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंटली कोई भी अगर आपके आ जाते हैं ना, एक दफा आपका टाइम स्टार्ट हुआ है ना, टाइम स्टार्ट होने से पहले अगर आपको कोई वजह थी तो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक दफा जब आपका टाइम स्टार्ट हुआ, आप ठीक भी थे और आपने इस चीज को क्या करना था, क्लेम भी करना था लेकिन आप नहीं कर पाए, तो लॉ ये कहता है कि आपके पास सब्सिक्वेंट भी कोई चांस नहीं है, आप उसको क्या करो, क्लेम करो। ठीक है सर, थैंक यू। और बात पूछनी है मुझे लगता है ये जो आवाम है ना, ये सेल फोन अपना ये ज्वाइन करके क्लास रख देती है और फिर जब जो है ये सर खप खप के छोड़ देंगे तब इमाम से देनी पूरी। ठीक है, तो बात उठा तो वहीं से चले जाते हैं। मैं चेक करूँ तो कितने 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 लोग होंगे जो मेरी क्लास में स्टैंडिंग होंगे। सर भट्टी साहब ऐसे करते हैं सर, वो कहते हैं रेज हैंड रेज करो। अच्छा। वो फिर उन्हें पता चल जाता कितने कितने और कौन सुन रहा है। क्लास में हो कौन सुल्तान देख ले। इसके बाद ये जो है जमाल का फिर आप भी इन्होंने भी सेल फोन पॉकेट में डाला है। उसके बाद ये शर्जील है, तो शाजी आप सुन रहे हैं? ध्यान तो ही आना ही आना। जी जी बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ। शाजी मैंने क्या पढ़ाया आज? सर ये लिमिटेशन आप बता रहे थे। अच्छा, सेक्शन कौन सा पढ़ाया मैंने आज? सर नाइन। क्या बात है जी। तैयब मोहम्मद तैयब, 8th सेमेस्टर रोल नंबर 23 तैयब बाजवा। और कोई बात पूछनी है किसी ने? जी नूर हीरा आप बेटा। नूर हीरा बेटा जी सर। जी सर कोई बात पूछनी है बेटा? नहीं सर, समझ आ गया। और इसके साथ वकार जुबैर, आपने तो बात पूछनी है जुबैर मलिक जी। नहीं सर, थैंक यू। देख लो फिर ये ना कहना सर समझ नहीं है। नहीं सर, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग होते हैं फिर सुन लेंगे। अच्छा, शहजाद जफर साहब ने लेट ज्वाइन किए थे तो। जी काशी महमूद बेटा आप रोल नंबर 302। वालेकुम सर। संताल बेटा ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत? बेटा की बात भी थी।
नहीं सर, अभी ये सुना है ये सेक्शन 9, बाकी आज वो रिकॉर्डिंग पूरी सुन लूंगा तो फिर उसके बारे में चलना। अगर ठीक हुआ तो वो कुछ सुन भी लीजिएगा, ठीक है बेटा। सेक्शन 9 जो है ना, मैंने आपको बताया है कि अक्सर ये सवाल आता है, ये मेरे तो पाक को अक्सर कहता हूँ मेरे लिए ना पढ़ो। अगर मैं इतना सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, मेरा एक मकसद है कि जो लोग मिलेंगे जिनका तो हसरत है काम कुछ बनना है या कुछ या किसी फोरम पे जाके बैठना। बेटा सबान से टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और एबिलिटी टू सू स्टॉप इट। यानी कि अगर आपका टाइम एक दफा स्टार्ट हो गया है ना, अगर आपका स्टार्ट हो गया लिमिटेशन का, जो आप जो आपने चीज फाइल करनी थी, आपने केस फाइल करना था, आपने एक अपील फाइल करनी थी या कोई आपकी एप्लीकेशन थी, लेकिन आपका जो कॉल ऑफ एक्शन है ना, जो आपकी कॉल ऑफ एक्शन जो थी वो अरोज हुई, ठीक है आज के दिन जिसे हम कह रहे हैं 21 तारीख को, लेकिन आपने 21 से शुरू होकर वो 10 तक जाकर खत्म हो जानी है, लेकिन आपने इस चीज को प्रेम नहीं किया, आपने इस चीज को एंजॉय नहीं किया। इसके बाद जिस दिन से आपकी कॉल ऑफ एक्शन शुरू हुई, उस 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या उसी दिन या उस पीरियड के बाद अगर आप सब्सिक्वेंटली डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है कोई आफत आ जाती है, कोई हकीकत में बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है तो ला ये कहते हैं कि आप उस चीज को जो सब्सिक्वेंटली है आपकी कॉल ऑफ एक्शन जिस दिन अरोज हुई, जिस दिन आपने सूट फाइल करना था, उस दिन से अगर बाद में अगर आपके सेक्शन 6 वाली बातें आई है ना, सेक्शन 6 में हमने जो लीगल डिसेबिलिटी पढ़ा था, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है ये नोट्स में भी है, तो आप यहाँ के सेक्शन 9 में क्लेम नहीं कर सकते, आप सेक्शन 9 में क्लेम नहीं कर सकते मां सिवाय इन 7 एक्सेप्शंस के। तो ये 7 एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई हैं कि एक या तो आपका क्या हो चुका हो, आपने कोई कॉपी लेनी थी किस चीज की बेटा फैसले की, और जितना टाइम आपको लगा उस फैसले की